बड़ी गंभीर किस्म की घटना इसमें निकल के आई, क्योंकि मारपीट करना अपने जो आरोपियों के द्वारा, आरोपियों के भी इसमें नाम है, वहीं आसपास के रहने वाले पप्पू घोषी, संजय घोषी, साथ में संतोष पटेल, सुरेंद्र गौड़, मसराम घोषी, गगन घोषी, ऋषि घोषी, बसंत घोषी, उमेश घोषी, विजय गौड़, नितेश अहिरवार, करण पटेल, और इतने तो 12 नाम अभी तक उनका रोल चिन्हित हो गया है। इसके अलावा भी कुछ हैं जो हम लोग उनकी भूमिका की तस्दीक कर रहे हैं। माँ शारदा एंटरप्राइजेस लेके आया है फर्नीचर, एल शेप महाराजा सोफा, डबल बेड, सिंगल बेड, पलंग, अलमारी, ड्रेसिंग, मात्र 26,000 में फर्नीचर का संपूर्ण सेट। रात में हम लोगों को एक सूचना मिली कि जिसमें ये जानकारी आई थी कि ऐसा मोतीनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कन्हैयादेव गांव में एक घटनाक्रम हुआ है या होने की आशंका है, कि वहाँ पर कुछ उस क्षेत्र के व्यक्तियों के द्वारा एक जो घायल या मृतक, जब पहले सूचना मिली थी क्योंकि वो संदिग्ध टाइप की थी, तो ये बताया गया था कि एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई है जिसकी कालांतर में मृत्यु हो गई और एक दो दिन के अंदर का ही घटनाक्रम होना बताया गया था। उसमें जब हम लोगों को जानकारी मिली तो हम लोगों ने दो तीन टीम बनाई, इसमें एडिशनल SP, CSP, शहर के 3-4 थाना प्रभारी को सबको एक्टिवेट करके और अलग अलग पॉइंट पे जब जांच शुरू की तो फिर ये निकल के आया कि ये पॉइंट सही है और अल्टीमेटली इसमें मृतक की जो पहचान है वो कनेरा देव निवासी निर्मल पटेल के रूप में हुई है। और जब उनके परिजनों से पूछा गया तो उनके भाई ने भी फिर इस घटना का पूरा ही वृत्तांत बताया, उनमें से कुछ जगह पर वो खुद भी प्रेजेंट थे। और बड़ी गंभीर किस्म की घटना इसमें निकल के आई क्योंकि मारपीट करना अपने जो आरोपियों के द्वारा, आरोपियों के भी इसमें नाम है, वहीं आसपास के रहने वाले पप्पू घोषी, संजय घोषी, साथ में संतोष पटेल, सुरेंद्र गौड़, मसराम घोषी, गगन घोषी, ऋषि घोषी, बसंत घोषी, उमेश घोषी, विजय गौड़, नितेश अहिरवार, करण पटेल, और इतने तो 12 नाम अभी तक उनका रोल चिन्हित हो गया है। इसके अलावा भी कुछ हैं जो हम लोग उनकी भूमिका की तस्दीक कर रहे हैं। अभी हमारे समय में जैसे जैसे विवेचना इसमें आगे बढ़ेगी तो उनका रोल भी क्लियर होगा, उनके द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य की भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और जैसे जैसे साक्ष्य इसमें मिलते जाएंगे तो और भी इसमें आरोपी बढ़ने की संभावना है। जैसा मैंने आपको बताया कि मृतक है, इनको बुलाया और इनके साथ इनका जो कन्हैया देव के बाहर जो कट है वहाँ पर इनका एक ऑफिस टाइप का आरोपियों का, वहाँ पर इसके साथ मारपीट उन्होंने की। इसके भाई को भी उन्होंने वहाँ बुलाया और भाई के द्वारा बताया गया कि जब इनके साथ मारपीट हो रही है, काफ़ी देर मारपीट होने के बाद जब इसको वापस घर के लिए भेजा गया तो घर में इनका स्वास्थ्य खराब हुआ और जब ये हॉस्पिटल ले जा रहे थे तब फिर कुछ लोगों ने जो उस इलाके में जिनका कहना चाहिए कि प्रभाव दुष्प्रभाव या भय है, उन लोगों ने भयंकर किया कि इसकी घटना की सूचना हॉस्पिटल में या पुलिस को ना दी जाए, जिससे कि अदरवाइज़ इनके बाकी परिजनों पर भी मारपिटाई या अन्य घटनाएँ कारित कर सकते हैं। इस भय से ही परिजनों ने ना हॉस्पिटल में सही घटना की सूचना दी। अभी तक जो चीज़ें सामने आई उससे यही निकल के आ रहा है कि हॉस्पिटल में भी इनके द्वारा तत्काल नहीं बताया गया 28 तारीख को, और बिना PM के 29 तारीख को इन्होंने सुबह सुबह अंतिम संस्कार मृतक को कर दिया। बीच में कुछ हमारे हाथ में ऐसे साक्ष्य भी लगे हैं कि जब बीच में परिजन एक दो बार उनका PM कराने के लिए या पुलिस को सूचना देने के लिए भी इन्होंने आपस में चर्चा की और जाने की कोशिश की, परंतु आरोपियों के कुछ सहयोगियों द्वारा या आरोपियों द्वारा भी उनको उसमें डरा दिया गया और दुष्प्रेरित किया गया। तो ये सभी चीज़ें इसमें, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे 2 या 3 स्टेजेस के अपराध हैं। एक तो अपराध स्वयं जो 302 का है, जिसमें कि मृतक के साथ मारपीट हुई और जिसपे आई चोटों के कारण उनकी मृत्यु हुई है। दूसरा, इनको डराना धमकाना और रिपोर्ट नहीं करने के लिए दुष्प्रेरित करना। तीसरा, जो इसमें साक्ष इस घटना में थे उनका नष्टीकरण, उनको साक्ष को नष्ट करना भी एक अपने आप में बड़ा अपराध है। और क्योंकि ये मामला 302 और 364 जैसे संगीन अपराधों से जुड़ा हुआ है तो इसमें भी सिमिलर सज़ा है, जिसमें कि साक्ष नष्ट करना
और इसका पूरा षड्यंत्र करना। तो इस तरह की गंभीर धाराओं का एक अपराध पंजीबद्ध किया गया। सबसे पहले हम लोगों ने मर्ग कायम करके विवेचना चालू की, और जब उसमें पर्याप्त साक्ष्य हमें दिखे जिसमें कि 302 और 364 के इन्ग्रीडियंट्स आ रहे हैं, तो फिर FIR करके और 12 आरोपियों को अभी तक हमने चिन्हित किया है। इनमें से आई थिंक 7 आरोपी हमने गिरफ्तार कर लिए और उनको न्यायालय भी पेश किया गया है। आगे जो बचे हुए आरोपी हैं वो भी वर्तमान में फरार हैं, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि इसमें 3-4 पड़ते हैं जो अपराध अपना जिसके बारे सूचना नहीं दे पाए, फिर साक्ष्यों को मिटाना, तो इन सभी स्टेजेस पे पुलिस विवेचना कर रही है। इसमें एक स्पेशल हम लोग सुपरवाइजरी टीम भी रखे हुए हैं, इसमें मैं खुद ही मॉनिटर कर रहा हूँ पर्सनली, तो और एडिशनल SP रैंक से और CSPs भी इसको मॉनिटर लगातार करेंगे। आपके कोई सवाल होता है? घटना के पीछे कारण क्या है? घटना के पीछे कारण, क्योंकि इसमें 2-3 अलग अलग वर्जन आ रहे हैं, तो अभी हम लोग इसको बहुत ज़्यादा जो सुना है उसको पूरी तरह सत्य नहीं मान रहे, परंतु यह है कि ऐसा आपस में कुछ आरोपियों ने एक पॉइंट बताया है, कुछ मृतक के घर वालों ने बताया, तो उसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो मैं अभी कह के उसको एक कलर नहीं करना चाहता, पर कोई आपस का वहाँ लोकल का विवाद या जो भी कहा सुनी है वहाँ से चीज़ शुरू हुई और मार पिटाई से उस बात से शुरू हुई। इनफैक्ट एक और पॉइंट मैंने मिस किया आपको बताना कि उस मारपीट के दौरान आरोपियों द्वारा मृतक से पैसे की भी डिमांड की गई कि तुम इतना पैसा दो वरना तुम्हें जिंदा नहीं जाने देंगे। तो उसके घर में जितना पैसा था उसने बुला के दिलवाया भी। पहले 5 लाख की मांग हुई, फिर जो करीब 1.25 लाख रुपये जितना उन्होंने दिलवाया, तो वो पॉइंट भी आया। तो जैसा आपने पूछा कि कारण, तो कारण अभी हम विवेचना में ले रहे हैं, 2-3 पॉइंट हमें मिले हैं परंतु अभी हम उसको कन्फर्म नहीं कर रहे। कोई प्रॉपर्टी खरीदी सर कहना प्रॉपर्टी खरीदी जैसा अभी प्रॉपर्टी वाला अभी पॉइंट कुछ सूत्रों से सुनने में आया है, परंतु अभी हमने ना कोई कागज़ देखे। अभी हम लोग सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 या 5 इसमें अलग अलग एंगल्स हैं, तो पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट एंगल है कि इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो हत्या से संबंधित जो है उनके आरोपियों को फिर उनको दुष्प्रेरित करना, डराना, साक्ष्य मिटाना, इस चीज़ों पर काम किया है। जो इसका बैकग्राउंड स्टोरी है कि कारण क्या है या प्रॉपर्टी का विवाद है या अन्य चीज़ें हैं, वो अभी हम लोग इसकी विवेचना करेंगे और आने वाले दिनों में करेंगे। इसमें जो घटना स्थल है वहाँ पर बताया गया है कि पहले वहाँ पर CCTV कैमरेज और वो चीज़ें लगी हुई थी। इनफैक्ट जब पुलिस ने और मैंने खुद भी उसमें मुआयना किया तो वहाँ पर ऐसा समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कैमरा लगा हुआ था, परंतु घटना कारित करने के बाद उसको वहाँ से निकाल दिया गया है और ना कैमरा, ना वायरिंग, ना DVR कुछ भी वहाँ वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। वो या नष्ट किया गया है या कहीं छुपा कर रखा गया है, इस चीज़ में अभी विवेचना चल रही है और इसमें भी आगे काम करने की। सर, जो आरोपी हैं दल से जो हैं, क्या आरोपी हैं? अभी हमने उनका आपराधिक रिकॉर्ड आपको ये दिया है, वो हमने दिया है, इसमें आपको ज़्यादा जानकारी है, इससे ज़्यादा मैं सिर्फ अपराध के बारे में बताऊँगा, बाकी तो आप जानते हैं। सर, घटना कब की कहलाई? घटना 28 तारीख की है। घटना समय जो बताया गया अंदाजन लगभग 11-12 बजे दोपहर से लेकर शाम के 4 बजे तक का घटनाक्रम उस स्थान का है जहां पर मृतक के साथ मारपीट हुई है। इसके बाद उनको घर भेज दिया गया है जहां पर उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और फिर उनको हॉस्पिटल लाया गया, तो ये होते होते 7-8 बजे का है। और फिर दुष्प्रेरणा और साक्ष्य मिटाना, तो ये लगातार घटना एक लंबी है, पर मारपीट यदि आप पूछना चाह रहे हैं तो वो 12-4 के बीच का। ये सर, जो साक्ष्य नष्ट हुआ है इसका इस विवेचना पे कितना अंतर आएगा कि मतलब जो मूल बॉडी थी वही नहीं रही, तो कहीं उससे नुकसान होगा कि आप विवेचना में सब चीज़ें ले आ जाएंगी वो सब, मतलब जैसे PM हो जाता है ये सब होता, तो फिर आपका बिल्कुल ठीक पॉइंट है। और इसमें ये भी विदित हो कि जैसे सबसे बड़ा जो साक्ष्य होता है किसी भी हत्या का वो अमृत शरीर होता है, और हालांकि हमारे पास कुछ एविडेंसेस हैं जिससे ये तो सिद्ध हो रहा है कि हाँ इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, किन कारणों से हुई है वो चीज़ें भी, अन्य हम लोगों को कुछ फिजिकल एविडेंसेस मिले हैं जो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं, अच्छे हैं, और उसमें पुलिस पूरा प्रयास कर रही है। ऑल दो एक मेजर जो स्टार्टिंग से ही आपने देखा होगा कि जो आपने खुद ही बोला कि एक उसमें कमी है या शुरुआत से ही एक बिंदु जो अछूता रह जा रहा है वो है, लेकिन आप देखिए कि उसी कारण से ही इतनी गंभीर एक धारा और बनाई गई कि साक्ष्य नष्ट करने पे भी वही सजा होगी जो
ये अपराध करने पे होगी। तो कुछ और लोगों ने जो अपराध में उस समय शामिल नहीं थे, कुछ ऐसे दो चार लोग भी हैं, परंतु जिन्होंने साक्ष्य नष्ट करने पे या उसमें सहयोग किया है तो वो भी उतने ही दंड के भागीदार हैं, उन पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल आपका पॉइंट 100% सही है कि यदि कोई भी इस तरह का मामला हॉस्पिटल, भले वो प्राइवेट हो शासकीय हो, पहुँचता है तो अननेचुरल डेथ की जो कैटेगरी है वो है ही, इसलिए कि उसमें पुलिस को सूचना देनी होगी और हॉस्पिटल प्रशासन ने या जो वहाँ पर ड्यूटी डॉक्टर हैं जिनने भी ये हैंडल किया है केस, उस पर भी हम आगे जांच करेंगे। और यदि अभी तो हमने सारे उसमें एंगल्स ऊपर रखे हुए हैं कि हो सकता है ये उन्होंने लापरवाही की है या जानबूझ के ऐसा किया है या फिर किसी दबाव में किया, ये सारे एंगल्स हमारे पास ओपन है। कुछ भी दिया गया है ऐसे ये बिल्कुल इस तरह के पॉइंट सामने आए, इसमें दोनों ही एंगल हैं, एक तो भय का भी बिंदु है और साथ में प्रलोभन का भी बिंदु है, ये दोनों ही बिंदु इसमें हैं, जिस कारण से, वरना आप खुद ही देखिए कि इतनी बड़ी घटना की कोई रिपोर्ट ना करे, ऐसा आपने कम देखा होगा, और ये भय और प्रलोभन दोनों का ही मिश्रित ये रिजल्ट है। ये आप में से कुछ लोगों ने ये बिंदु आप भी दोपहर मिले थे, मैंने आपको भी तत्काल व्यक्तिगत रूप से सामने ही बोला था कि पूरे शहर में चर्चा थी तो आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया, या पूरे शहर में, पूरा शहर कहना बहुत आसान है, आप आदमी का नाम बताइए ना तो हम उसको भी इसमें ले लेंगे। ये हम एक समाज के तौर पर हम सबका फेलियर है, बहुत कोई भी एक छोटी सी चीज़ होती है तो पुलिस को कहना आसान है, बहुत अच्छी बात है, पुलिस तो कार्रवाई करेगी, लेकिन यदि मेरा जैसे कि अभी किसी ने कहा था 2-3 दिन से चर्चा है, आपने कहा, आप तो बताइए ना, आज तो हर किसी का वो होता है फोन में कॉल होता है, हाँ ये बात यदि ऐसा लग रहा है तो उसमें हमें काम करने की जरूरत है, आपको और हमको दोनों को, तो हम लोग इसमें काम करेंगे। सर इसमें मुझे लगता है कि एक अच्छा एग्जाम्पल होना चाहिए विश्वास प्रबल करने का, सुदृढ़ करने का, कि इस मामले में जो पीड़ित पक्ष है वो किस कारणों से पुलिस तक नहीं आया, लेकिन पुलिस को जब पता चला तो पुलिस ने फिर आगे बढ़ के और अच्छी कार्रवाई की, कड़ी कार्रवाई की है, तो ये मेरे ख्याल से एक एग्जांपल की तरह आप लोग इसको प्रचारित करिए कि भाई आप आगे आएँ और बताएं, और आगे किसी कारण से नहीं भी आ सकते हैं तो जैसे ही पुलिस को पता चलेगा, पुलिस अपनी पूरी शक्ति से, मध्य प्रदेश प्रशासन है, मध्य प्रदेश पुलिस है, पूरी शक्ति से। मृतक का मोबाइल 28 तारीख को भी किसी ने गोपनीय तौर पर ये बताया है, या जिसको भी यदि जो सामने आना चाहे तो सामने भी आ जाए, पर कई लोग सामने आने से जब आएंगे तो बताएंगे, पर मुझे ऐसा पता चला है कि 28 की रात, मतलब 29 नहीं 28 की रात में भी किसी ने बताया, 28 की, पर ये बताया कि वहाँ दो पक्षों का झगड़ा हुआ है, ऐसा मुझे बताया गया कि ऐसा एक फ़ोन थाने पे किया गया था, और मोदीनगर पुलिस वहाँ पर गई भी, उन्होंने वहाँ पे कुछ 2-4 परिवारों से गाँव में पूछा भी कि कोई झगड़ा हुआ है या नहीं हुआ है, हालाँकि यदि हम दोबारा देखें तो मतलब तब तक मृत्यु हो चुकी थी और शव गाँव में था, पर यदि पूरे शहर में चर्चा थी तो फिर वहाँ पर पहुँचने, पुलिस के पहुँचने के बाद भी लोगों ने नहीं बताया, ये भी अपने आप में संशय है। मतलब अविश्वास है कहीं ना कहीं सर पुलिस के प्रति, वहाँ पे चार, मैंने सर काफी सालों पत्रकारिता की, पहली बार देखा सर कि मरने के बाद जो परिजन है वो बोलने को तैयार ही नहीं है, ये मैं मंत्री के खिलाफ भी बोलते देखा, बड़े बड़े दबंगों के खिलाफ भी, पहली बार मैं देखा कि एक गरीब आदमी है मरने के बाद, हत्या के बाद वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है, और मेरे ख्याल से 2 दिन आप लोग को मशक्कत सिर्फ यही सिर्फ फरियादी तैयार करने में ही लग गया, नहीं पता भी था हम लोग को फरियादी तैयार नहीं थी सर, परंतु फिर भी कई बार ऐसा होता है यदि कोई अंग ऐसे है तो पूरी तरह नहीं चल पाए, तो फिर उनका DNA से मिलान तो वो एक प्रक्रिया है कि क्या जी अभी जो अवशेष बचे भी हैं जो बचे भी हैं तो वो लिए हैं सर इस केस में अपने राम दोषी, बसंत दोषी, विजय गौड़, संतोष पटेल, सुरेंद्र गौड़ और नीतेश अहिवार, इतनों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो अभी गिरफ्तारी हेतु शेष हैं उसमें है संजेश दोषी, गगन दोषी, उमेश दोषी और करण पटेल। सर इनको गिरफ्तार कहाँ से किया गया था? इसमें जो उनके रहने के ठिकाने हैं, कोई किसी फार्म हाउस है, ड्रेन किया है, जो उनका घर है आसपास का क्षेत्र, मतलब बहुत दूर कोई नहीं भागा, पहले 1-2 दिन जरूर होगा पर आसपास के क्षेत्र में। माँ शारदा एंटरप्राइजेस लेके आया है आपके लिए आकर्षक फर्नीचर, एल शेप महाराजा सोफा,
डबल बेड, सिंगल बेड, पलंग, अलमारी, ड्रेसिंग एवं सभी प्रकार के आकर्षक फर्नीचर साथ ही पाएं मात्र 26,000 में आकर्षक फर्नीचर का संपूर्ण सेट। हमारा पता है माँ शारदा इंटरप्राइजेज, तिली राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा मोबाइल नंबर है 7000624396, 9691987669।